खिलाफत की जो खुशखबरी सुनाई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर साथ आजमाइश भी बताई थी, यानी तवातुर तक हदीसें पहुंची हुई हैं कि जिनमें हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुझे मजलूम शहीद कर दिया जाएगा, तुझे खिलाफत की कमीज पहनाई जाएगी। इन अल्लाह युकम्मेसो का कमीसा और मुकम्मेसो का कमीसा फला तखला हो फिन अराद कल मुनाफिकूना अला खलिये ही फला तखला हो हत्ता तलकानी। फरमाया मैं देख रहा हूं मुनाफिक लोग मुतालबा करेंगे तुझसे कि खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, खिलाफत छोड़ दो। तो उनके कहने पर मेरी खिलाफत तुमने खुद नहीं छोड़नी, हत्ता तलकानी, यहां तक कि तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ हो जाए, यानी तुम शहीद शहादत तो कबूल कर लेना मगर खिलाफत से दस्तबरदार होना इसको कभी भी कबूल ना करना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब महसूर थे, एक दो सहाबी नहीं बारहा सहाबा ने आकर दरखास्त की उन बागियों के मुकाबले में जिनको इब्ने सबा यहूदी ने तैयार करके मिस्र से शाम से इराक से भेजा था, और उनके एतराजात के जवाबात मजमयाम में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए थे, और वो वापस लौटे मगर साजिश तैयार करके झूठे खतूत लेके एक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, एक हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहर बनाकर, एक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब करके फिर आकर उन्होंने फितना बर्पा किया मदीना मुनव्वरा में। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 500 असहाब लेकर हजरत उस्मान गनी की खिदमत में हाजिर हुए कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके हुक्म के बगैर अपने तौर पर तो मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, इजाजत दो। तो ये चंद मिनटों में हम इनका सफाया कर देते। ये मौला अली 500 अहबाब के साथ इजाजत मांग रहे थे, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ये कह रहे थे मैं उम्मत में वो पहला इंसान नहीं बनना चाहता कि जो अपनी जान बचाने के लिए मदीनातुर रसूल अलैहि सलाम का तकद्दस पामाल कर दे और इसकी गलियों में खून रेजी हो, लड़ाई हो। और इस पर वाजे किया फरमा मुझे सरकार ने बुलाया था, और वो हदीस सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि सरकार फरमाने लगे आज कोई मेरे लिए मेरा सहाबी बुलाओ। आयशा सिद्दीका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को बुलाए, फरमाया नहीं। उमर फारूक को बुलाए, फरमाया नहीं। कहा उस्मान गनी को बुलाए, हाँ फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सरगोशी की, और देखते देखते उम्मुल मोमिनीन कहते हैं उस्मान गनी के चेहरे का रंग बदल गया वो खबर सुनने के बाद। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उस्मान तुमने इस पे सबर करना है, और सबर के जरिए से तुमने मंजिल शहादत पानी है। तो आपने इस हदीस का हवाला देकर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा से कहा कि मैं उस मनसब तक जा रहा हूं जिस सबर की मुझसे अहद लिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पैगाम भेजा कि मैं मुल्के शाम से अपनी आर्मी भेजता हूं, तो आपने फरमाया मदीना मुनवरा की खुराक मदीना मुनवरा के लोगों के लिए है, मैं शाम के लोगों के लिए गल्ला कहां से लाऊंगा, यहां किल्लत आ जाएगी लोगों की खुराक के लिहाज से, लिहाजा मैं शाम की फौज यहां लाने की इजाजत नहीं दूंगा। खुद उनके लिए तजवीज पेश की गई कि घर के पिछली जानब से निकल के मक्का मुकरमा चले जाओ, तो कहा नहीं मदीना मुनव्वरा तो रब ने हमें तरक्की दे के ये मकाम दिया था, तो मैं मरने के लिए फिर मक्का मुकरमा चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। फलन उफारिका दारा हिजराती व मुजावरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा दारुल हिजरत है और मुझे अल्लाह के रसूल सलाम का
पड़ोस हासिल है, यहां मर जाना दूर जाके जिंदा रहने से अफजल है। लिहाजा मैं इस मदीना मुनव्वरा को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो यूं मनसबे शहादत पर फायज हुए और नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही आपकी जन्नत की खुशखबरी सुना चुके थे और आपके अजीम जो मकामात हैं उनका तज़करा फरमा चुके थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने आखिरी खिताब में जो दीवार पे चढ़कर यानी अंदर खड़े होकर बागियों से किया था, पर आज मुझे शहीद किया जाएगा तो फिर क्यामत तक तुम कभी भी किसी दुश्मन इस्लाम के मुकाबले में इकट्ठे जिहाद नहीं कर सकोगे। फिर तलवार मुसलमानों के अंदर जो आज नियाम से निकली कभी दाखिल नहीं हो सकेगी और हमेशा के लिए वहदत पारा पारा हो जाएगी। ये सब बातें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने वाज़े तौर पर उनको बताई, लेकिन नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये वो मुनफरिद हुक्मरान हैं कि जिनकी फौज उनके इशारे की मुंतजर हो और वो सिर्फ शहर मदीना के तकद्दस के लिए जान तो दे दे लेकिन फौज को लड़ने का हुक्म ना दे कि इस शहर के अंदर किताल नहीं होना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। अल्लाह ताला सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के दरजात को बुलंद फरमाए।